1978 में आज के दिन तीन अमेरिकियों ने हॉट एयर बलून से अटलांटिक महासागर को पार किया था। बेन अमरूजू, लैरी न्यूमैन और मैक्स एंडरसन को अटलांटिक महासागर पार करने में 6 दिन का समय लगा था। 6 दिन बाद बलून ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में लैंडिंग की। अटलांटिक महासागर को पार करने का यह इन तीनों का दूसरा प्रयास था। 1 वर्ष पहले इन तीनों ने कोशिश की थी, लेकिन अटलांटिक महासागर पार करने में नाकाम रहे। 1982 में आज ही के दिन मशहूर साहित्यकार फादर कामिल बुल्के का निधन हुआ था। यूएन विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी की शिक्षा पूरी करने के बाद यह 1935 में भारत आए। सबसे पहले उन्होंने भारत का भ्रमण किया और भारत की संस्कृति का अच्छे से अध्ययन किया। कुछ समय के लिए बुल्के दार्जिलिंग में भी रहे और इसके बाद रांची और झारखंड के गुमला जिले के इग्नासियस विद्यालय में गणित का अध्यापन करने लगे। यहीं उन्होंने भारतीय भाषाएं सीखनी शुरू की और उनके मन में हिंदी भाषा सीखने की ललक पैदा हुई। रामकथा उत्पत्ति और विकास, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, मुक्तिदाता, नया विधान, हिंदी अंग्रेजी लघु कोश, बाइबिल का हिंदी अनुवाद आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 1974 में फादर कामिल को पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। 1987 में आज एक दिन हिटलर के करीबी रुडोल्फ हेस का निधन हुआ था। पश्चिमी बर्लिन के स्पैंडाउ जेल में 93 वर्षीय हेस का शव पाया गया था। 1920 में हेस नाजी पार्टी में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हेस ने हिटलर का हर संभव साथ दिया। 1946 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। न्यूरेमबर्ग युद्ध अपराध मुकदमे के बाद हेस के साथ कई साथियों को जेल में बंद किया गया था। उनके कई साथियों को रिहा कर दिया गया, लेकिन उन्हें रिहाई नहीं मिली। इस जेल पर अमेरिका और जर्मनी के अलावा सोवियत संघ का भी नियंत्रण था, जो हेस की रिहाई के लिए राजी नहीं था। और 1999 में तुर्की में भूकंप आया था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.7 दर्ज की गई थी। तुर्की के औद्योगिक शहर इज्मित में तड़के आए इस भूकंप ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। इस भूकंप में करीब 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। भूकंप की विनाश लीला में इज्मित जिला पूरी तरह से तबाह हो गया। इज्मित से 80 किलोमीटर दूर इस्तांबुल में भी इस भूकंप का असर देखा गया। इस्तांबुल की कई इमारतें ढह गई थीं।